हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया एक मैथ का क्वेश्चन है जो ट्रेन से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और रिपीट होते रहता है। तो आइए बहुत अच्छे से इसे हम समझेंगे। क्वेश्चन है, एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकेंड और 14 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं, यानी व्यक्ति का पहला स्पीड जो है स्पीड वन, यानी कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति आवर, और स्पीड दूसरा यानी दूसरा स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति आवर। पहला स्पीड को पार करने में ट्रेन को 12 सेकेंड लग रहा है और दूसरा जो समय लग रहा है कितना सेकेंड, 14 सेकेंड लग रहा है। अब देखिए, आपको बताना क्या है, स्पीड बताना है ट्रेन का, तो ट्रेन का स्पीड बताना है। तो स्पीड हम मान लेते हैं कि x है, चलिए यहाँ तक ठीक है। हमको स्पीड निकालना है ट्रेन का, तो उसका वैल्यू हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखिए, बोला है एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे हैं। उसी दिशा में, यानी कहने का मतलब है व्यक्ति इधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, उसी दिशा में ट्रेन भी जा रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हुआ। तो जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, स्पीड को हम माइनस करते हैं। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है, मान लीजिए ट्रेन इधर से आ रही है और व्यक्ति इधर से जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं स्पीड को। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला दूरी बराबर दूसरा दूरी, यानी दूरी बराबर अब लिखेंगे कि क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया हुआ है, ट्रेन का चाल कितना है x, तो x रखेंगे, और क्या है सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे। पहला स्पीड कितना है 4, तो 4 रखेंगे गुना स्पीड हो गया, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना दिया हुआ है, पहला 12 सेकेंड, तो 12 लिखेंगे बराबर। दूसरा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, इधर भी होगा चाल गुना समय, तो चाल कितना है ट्रेन का x, तो x रखेंगे। उसके बाद में दूसरा कितना है व्यक्ति का चाल 6, तो 6 क्या करेंगे घटाएंगे, और गुना दूसरा समय कितना लग रहा है ट्रेन को 14 सेकेंड, तो हो गया 14, यानी दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय, दूसरा दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। अब क्या करेंगे, हम इसको कटा लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी इसको हम कटाएंगे 2 से 6 बार में, 2 से इसको कटाएंगे तो 7 बार में, 6 से गुना करेंगे इसमें तो 6x और 6 चौका 24, फिर 7 से x में तो 7x और 7 6 42, 7x को ले जाकर इधर घटाएंगे 6x में से, तो 7x में से 6x घटाएंगे तो क्या होगा, 1x होगा, यानी 1 यहाँ नहीं लिखेंगे माइनस में होगा, और इसको इधर ले जाएंगे 24 को इधर ले जाएंगे, तो इधर है माइनस 42 और इधर है माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24, तो माइनस एक्स बराबर 42 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 18 बचेगा, माइनस माइनस से कट गया, यानी एक्स का वैल्यू आपका आ गया 18 किलोमीटर प्रति आवर। यही हो गया आपका ट्रेन का स्पीड, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।